हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ मोबाइल की एक बेहतरीन ट्रिक के बारे में, जिसके बारे में शायद बहुत ही कम लोग जानते हैं। जहाँ तक मेरा अनुभव है, वहाँ तक 99% लोग इस ट्रिक के बारे में नहीं जानते हैं। इस ट्रिक को बताने से पहले मैं आपको बता दूँ कि इसी तरह के टिप्स एंड ट्रिक्स से रिलेटेड वीडियोज़ मेरे चैनल पर आपको मिल जाएंगे। इसके लिए आप यूट्यूब पर जाइए और सर्च कीजिएगा रिंकू कुमार शर्मा, और जैसे ही आप सर्च करेंगे तो मेरा होम पेज चैनल का ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप वीडियोस देखना चाहते हैं तो वीडियो सेक्शंस पे क्लिक कीजिएगा। वीडियो सेक्शंस पे आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। जैसे अभी मैंने लेटेस्ट में जो वीडियोस अपलोड किए हैं वो ऊपर आपको शो कर रहे हैं। इसी तरह आप पर्टिकुलर किसी एक टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो उसके लिए आप प्ले लिस्ट में जाइए। प्ले लिस्ट पर जैसे क्लिक करोगे तो इसमें भी काफ़ी सारे हैं, जैसे कंप्यूटर टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, ठीक है, सोशल मीडियाज़ टिप्स हैं, इस तरह के काफ़ी टिप्स आपको मिल जाएंगे। यहाँ आप विजिट करके इन्हें देख सकते हैं। तो चलो अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप इस प्रोसेस को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखें, कंप्लीट प्रोसेस को देखें, तभी आपको ये समझ में आएगा, अदरवाइज आपको ये समझ में नहीं आएगा। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखें। तो जो टॉपिक मैं बता रहा था आपको और जो टिप्स बताने वाला था वो है आपका कि एरोप्लेन या फ्लाइट मोड में अपने डेटा से इंटरनेट कैसे चलाएं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि फ्लाइट मोड या एरोप्लेन मोड पे करने के बाद मोबाइल को हम ना तो कॉल अटेंड कर पाते, रिसीव कर पाते हैं, ना ही किसी को कॉल कर पाते हैं, और ना ही हम मोबाइल से इंटरनेट चला पाते हैं। अपने डेटा से वाईफाई से आप चला सकते हो, बट अपने डेटा से आप नहीं चला पाते हो। तो इसी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियोज में। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में। जैसे मैं ब्राउजर ओपन करता हूँ, अभी आप देख रहे हैं ऊपर मेरे टॉप स्क्रीन पे मेरा इंटरनेट ऑन है, डेटा ऑन है। तो हम लोग ब्राउजर ओपन करते हैं, जैसे कि मैं गूगल क्रोम ओपन करता हूँ। यहाँ से मैं फाइंड करता हूँ, देखिए मैंने फाइंड किया और अभी इंटरनेट मेरा ऑन है। तो यहाँ पे देखिए मुझे फाइंड करके शो कर रहा है, और मैं कोई भी पेज ओपन करना चाहूँगा वो पेज यहाँ से ओपन हो जाएगा इजी वे में। जैसे देखिए कोई भी आप ओपन करेंगे जो पेज आपका ओपन हो जाएगा यहाँ पे। तो अभी इंटरनेट चल रहा है, यहाँ आप देख पा रहे हैं कि इंटरनेट चल पा रहा है। अब मैं इसे क्या करता हूँ, एरोप्लेन मोड पे कर देता हूँ मोबाइल को। तो यहाँ से जाके मैं एरोप्लेन मोड पे करता हूँ मोबाइल को, ठीक है। जैसे मैंने एरोप्लेन मोड पे किया तो आप देख पा रहे हैं कि डेटा वाला ऑप्शन भी हाईलाइट नहीं हो रहा है और इस पर क्लिक नहीं हो पा रहा है, बंद हो चुका है। और ऊपर भी आप ना कॉल कर सकते हैं ना रिसीव कर सकते हैं। अब अपन देखते हैं कि डेटा चल रहा है या नहीं चल रहा है मोबाइल पर इंटरनेट। तो हम वापस google.com सर्च करते हैं, तो देखिए यहाँ पे नो इंटरनेट कनेक्शन शो कर रहा है, ठीक है। तो आपका डेटा नहीं चल रहा है, जैसे अपन ने एरोप्लेन मोड पे किया तो मोबाइल डेटा बंद हो गया है आपका। तो आपको जो टिप्स बताने वाला हूँ वो कैसे यूज करोगे उसके बारे में बताता हूँ। आप सबसे पहले डायलर पे जाइए अपने, जैसे यहाँ पे डायलर पे जाएंगे, ठीक है। जैसे आप डायलर पे जाएंगे, जाने के बाद में आप यहाँ पे प्रेस करेंगे एक कोड, उसको नोट कर लीजिएगा, स्टार हैज, फिर अगेन स्टार, फिर हैज 4636, उसके बाद में अगेन हैज स्टार हैज, और लास्ट में आप स्टार प्रेस करेंगे। जैसे स्टार प्रेस करेंगे अपने आप ही वहां पे आपका पहुंच जाएगा मोबाइल सेटिंग में आपका। तो आप इस कोड को नोट कर लीजिएगा, ये वाला कोड, और लास्ट में आप स्टार और लगा दीजिएगा इसके हैज के बाद में स्टार। जैसे आप स्टार पे मैंने क्लिक किया, देखिए यहाँ पे पहुँच गया। अगर आपके पास दो सिमें हैं तो आप जिस सिम में आप डेटा यूज करना चाहते हैं उस सिम का यूज करें। जैसे फ़ोन इन्फॉर्मेशन 1 में पहली सिम के बारे में बता रहा है और फ़ोन इन्फॉर्मेशन 2 में सेकेंड सिम के बारे में बता रहा है। तो जैसे कि मैं अभी सेकेंड सिम से यूज कर रहा हूँ, तो मैं सेकंड वाले पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पे आप नीचे की तरफ जाइएगा,
जैसे आप नीचे जाएंगे यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा मोबाइल रेडियो पावर। अभी देखिए आप ये ऑफ है तो आप इसे ऑन कर दीजिएगा। ये ऑफ उसी कंडीशन में होगा जब आप एरोप्लेन मोड या फ्लाइट मोड में मोबाइल को रखोगे, तो अदरवाइज़ तो ये ऑन रहता है। तो अभी मैंने इसको ऑन कर दिया है यहाँ से, ठीक है। और अगर आप पहली सिम से भी यूज़ कर रहे हैं तो सेम प्रोसेस आपको यही करना है। फर्स्ट सिम में इसमें चले जाइएगा और इसे भी यहाँ से ऑन कर दीजिएगा। मोबाइल जो रेडियो पावर आ रहा है आपका, इसे ऑन कर दीजिएगा। और ऑन करने के बाद हम बैक चलते हैं, यहाँ से बैक जाते हैं। और बैक जाने के बाद में अगेन दोबारा हम ब्राउज़र ओपन करते हैं, दोबारा हम सर्च करते हैं। जैसा कि आप ऊपर देखिए स्क्रीन पे मेरा मोबाइल अभी फ्लाइट मोड पे है। हम गूगल को सर्च करते हैं, google.com, ठीक है। और इसको सर्च करने के बाद गोपे करता हूँ। जैसे आप गोपे करेंगे देखिए ओपन हो गया। और अब मैं इसमें सर्च करता हूँ अगेन, देखिए मेरा इंटरनेट यहाँ पे चल रहा है और पहले के मुकाबले कुछ ज़्यादा ही फास्ट चल रहा है। अब आप यहाँ पे नीचे जाके आराम से कोई भी पेज ओपन कर सकते हैं, जो चाहें वो पेज ओपन कर सकते हैं, किससे भी रिलेटेड आपको जो भी चाहिए। जैसे अगेन वही पेज ओपन कर लेता हूँ मैं, या फिर और भी ओपन करके बता दूंगा मैं आपको। जैसे कि देखिए यहाँ पे ओपन हो पा रहा है, राइट। अभी यहाँ पे जैसे मैं फेसबुक ओपन करना चाहता हूँ या फिर कुछ और ओपन करना चाहता हूँ तो वो भी यहाँ पे ओपन हो जाएगा। जैसे मान लो यूट्यूब ओपन करना चाहता हूँ मैं, तो youtube.com सर्च किया, देखिए ये पेज ओपन हो गया। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरे मोबाइल का डेटा से ही इंटरनेट यहाँ पे चल पा रहा है, राइट। तो यहाँ पे अपन सर्च कर लेते हैं, सर्च करके भी आपको दिखा देता हूँ। हम इसे सर्च करते हैं, देखिए जैसे मैंने सर्च किया यहाँ पे सर्च हो पा रहा है। और इस पे चैनल पे मैंने क्लिक भी कर दिया। अब जैसे आप क्लिक करेंगे देखिए ओपन भी हो गया मेरा होम पेज। अपन किसी वीडियो को भी आपको थोड़ा सा चला के दिखा देता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं वीडियो भी देखिए चल रहा है, आगे करके बता देता हूँ। मैं ऑलरेडी इसको इंस्टॉल कर चुका हूँ, राइट। आपको इसको इस तरह से ये वीडियो भी चल रहा है तो आप देख पा रहे हैं कि फ़्लाइट मोड में होने के बावजूद भी मैं अपने डेटा से इंटरनेट चला पा रहा हूँ। तो इस तरह आप भी अपने डेटा से इंटरनेट फ़्लाइट मोड में भी चला सकते हैं। ये टिप्स आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और अगर कोई इश्यू आता है इसको करने में या कोई प्रॉब्लम आपके सामने आती है फेस करते हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।